हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ आपकी दोस्त श्वेता और आज फिर से लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए न्यू रेसिपी। और आज की हमारी रेसिपी बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं मार्केट स्टाइल कोल्ड कॉफ़ी। जी हाँ, आज हम कोल्ड कॉफ़ी बनाएंगे और वो भी मार्केट वाली, एकदम घर पे इजी तरीके से, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके लिए छोटा से छोटा रेसिपी का वीडियो लेके आऊँ, ताकि आप मेरे वीडियो को स्किप ना करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे नई न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और हाँ, रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि और भी फ्रेंडों के पास मेरी ये वाली रेसिपी पहुँच सके। जैसा कि मैंने बताया, आज हम कोल्ड कॉफ़ी बनाएंगे और वो भी एकदम सुपर क्रीमी फ्लफी और एकदम से मार्केट स्टाइल वाली। और आज हम इस कोल्ड कॉफ़ी को बनाएंगे बिना मशीन, बिना मिक्सर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपना सुपर क्रीमी, सुपर सॉफ्ट, सुपर फ्लफी कोल्ड कॉफ़ी बनाना। तो इस कॉफ़ी को बनाने के लिए हम ले लेंगे एक प्लेट, और प्लेट हम थोड़ा सा चपटा लेंगे, क्योंकि हम इस कॉफ़ी को बनाएंगे चाय छन्नी से। तो चाय छन्नी जिस प्लेट में हम अच्छे से घुमा सकें वैसा हम प्लेट लेंगे। और फिर हम ले लेंगे एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर। तो ये देखिए, हमने 10 रुपये की एक कॉफ़ी के पैकेट लिया था, इस कॉफ़ी पैकेट में सिर्फ एक चम्मच ही कॉफ़ी था, तो हमने ले लिया है एक पैकेट यानी कि एक चम्मच कॉफ़ी। और फिर हम इस एक चम्मच कॉफ़ी से बनाएंगे 2 ग्लास कोल्ड कॉफ़ी। तो हम 2 ग्लास कोल्ड कॉफ़ी को मीठा करने के लिए लगभग हम डाल देंगे 4 चम्मच चीनी। तो हम पिसा हुआ चीनी यूज कर रहे हैं, आप चाहें तो सादा चीनी भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आराम से ये कोल्ड कॉफ़ी तैयार हो जाएगी। और अब हम ले लेंगे एक चाय छन्नी, जिससे हम इस कोल्ड कॉफ़ी को बनाने वाले हैं, क्योंकि हम मशीन यूज नहीं करने वाले हैं, इसीलिए हम इस चाय छन्नी से इस कोल्ड कॉफ़ी को बनाएंगे। और अब हम ले लेंगे एकदम से हॉट गर्म पानी, तो हम उबलता हुआ पानी ले लिए हैं और हम लगभग आधा कप पानी डाल लिए हैं, और बस इसमें हमें और कुछ नहीं डालना है। और फटाफट हम चाय छन्नी जो रखे थे, इस चाय छन्नी को लेके एक दिशा में इसको हम धीरे धीरे हिलाना शुरू करेंगे। तो ये जैसे जैसे इसको हम मिक्स करेंगे चीनी और कॉफ़ी पाउडर को, वैसे वैसे ये झाग बनता जाएगा और साथ में इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। तो हर 1 मिनट पे इसका कलर चेंज होगा और आप देखेंगे। और ये देखिए अभी कितने सारे झाग बन गए। चाय छन्नी को हमें एक ही दिशा में घुमाना है, तभी जाके झाग हमारे बनेंगे इस कॉफ़ी में। और ये देखिए अभी हो गया है चाय वाले कलर ना, तो अब इसको हम और अच्छे से घुमाएंगे। लगभग हमने इसको 5 मिनट घुमा लिया है चाय छन्नी को, और ये देखिए हमारी कॉफ़ी लिक्विड जो है वो फॉर्म फ्लेम में चेंज होता जा रहा है। और ये जैसे जैसे हम इसको फेंटते जाएंगे वैसे वैसे ये झाग यानी कि फ्लफी होता जाएगा। वैसे इस चाय छन्नी से कॉफ़ी बनाने का ट्रिक तो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर आपके पास विस्कर है यानी कि अंडा मिक्स करने वाला, या फिर आप जो बैटर वगैरह बनाते हो विस्कर की सहायता से, तो आप उससे बनाओगे तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में तैयार हो जाएगा आपका ये कोल्ड कॉफ़ी। एक और सिंपल ट्रिक बताऊंगी इस कोल्ड कॉफ़ी को बनाने का, बिना मशीन, बिना विस्कर और बिना चाय छन्नी का। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले एक खाली बॉटल ले लेना है, और खाली बॉटल में हमें कॉफ़ी, चीनी और थोड़ा सा गर्म पानी डालकर बॉटल को हमें बंद कर देना है टाइट। और फिर बॉटल को क्या करना है, सिर्फ शेक करना है जब तक कि हमारा ये लिक्विड फॉर्म से फॉर्म फ्लेम में ना आ जाए। तो हमें 5 से 7 मिनट इनको शेक करना है, और फिर ठंडी ठंडी दूध डालकर हम इस कोल्ड कॉफ़ी को पी सकते हैं। एकदम मार्केट स्टाइल में हमारी कॉफ़ी तैयार हो जाएगी घर पर बिल्कुल आसान तरीके से। और ये लीजिए जी, हमने चाय छन्नी से भी कॉफ़ी तैयार कर ली है। ये देखिए एकदम से फॉर्म फ्लेम में चेंज हो चुकी है कॉफ़ी हमारी। तो चलिए इस कॉफ़ी को हम फटाफट अब गिलास में डाल लेते हैं और कोल्ड कॉफ़ी बना लेते हैं। तो ये देखिए ऐसे ही हमें झाग तैयार कर लेना है कोल्ड कॉफ़ी के लिए। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा ये एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है कोल्ड कॉफ़ी के लिए? तो आपको क्या करना है, इस लिक्विड फॉर्म को चाय छन्नी में या चम्मच में उठाना है और फिर इसको ड्रॉप करना है। अगर आपका लिक्विड फॉर्म में गिर रहा है तो यानी तो आपका कॉफ़ी तैयार नहीं हुआ है। अगर आपके ये आइसक्रीम या फिर एकदम से फ्लफी
जैसा आपके चाय छन्नी में या फिर स्पून में आराम से उठ जा रहा है, यानी कि परफेक्ट तैयार हो चुका है ये आपका फेम वाला कॉफी। और देख रहे हैं हमारी कॉफी का कलर कितना लाइट कलर हो चुका है, एकदम से ब्राउनी, एकदम से चाय की कलर हमारी आ चुकी है इस कॉफी में। और ये देखिए, इसको मैं चाय छन्नी में उठा के दिखा रही हूँ, ये बहुत ही फ्लफी और बहुत ही आराम से इजीली उठ जा रहा है और जल्दी गिर भी नहीं रहा है, यानी कि हमारा ये कॉफ़ी एकदम से परफेक्ट तैयार हो चुका है। लगभग इसको मुझे तैयार करने में 10 से 12 मिनट लग गए हैं। तो चलिए जी, इतना मेहनत किया गया है इस कोल्ड कॉफ़ी को बनाने के लिए, तो फटाफट इसको पी के थोड़ा सा ठंडक भी ले लिया जाए, यानी कि इसको सर्व कर लिया जाए। तो इस कोल्ड कॉफी को हम सर्व करेंगे कांच के ग्लास में, क्योंकि कोल्ड कॉफी को कांच के ग्लास में पीने का मजा ही अलग है। तो हमने ले लिया है कांच का ग्लास और हमने डाल लिए हैं 3 से 4 आइस क्यूब, और फिर इस आइस क्यूब वाले ग्लास के ऊपर हम डालेंगे अपना कॉफी जो कि मैंने प्लेट में तैयार करके रखा था चाय छन्नी से। और ये देखिए, मैंने ग्लास को थोड़ा सा खाली रखा है, लगभग हम 10% खाली रखेंगे ग्लास को, और फिर हम ठंडा ठंडा दूध डाल देंगे इस ग्लास के अंदर, और फिर भर के 1 चम्मच हम मलाई डाल देंगे, और ऊपर से थोड़ा सा हम डेकोरेट कर लेंगे इसको चॉकलेट पाउडर या फिर आप कॉफ़ी डाल लीजिए। और ये लीजिए जी, हमारी सुपर सॉफ्ट, सुपर फ्लफी, सुपर क्रीमी कोल्ड कॉफ़ी बनकर रेडी हो चुकी है, और वो भी एकदम से मार्केट स्टाइल वाली। और इस कॉफ़ी को हमने बनाया है घर पे, और मात्र 10 रुपये की पैकेट कॉफ़ी से हम तैयार किए हैं 2 गिलास कोल्ड कॉफ़ी। तो फिर ट्राई तो बनता है, क्यों बाहर से हम कोल्ड कॉफ़ी इतनी महंगी खरीदें, हम घर पे बना के घर पे इस कोल्ड कॉफ़ी का जब मज़ा ले सकते हैं। तो बिना देर किए जाइए फटाफट इस कोल्ड कॉफ़ी को बना के इस गर्मी आप भी अपने घर पे पीजिए और अपने घर वालों को भी पिलाइए। तो देखा आपने कितना सिंपल, कितना आसान तरीके से मैंने आपको कोल्ड कॉफ़ी बनाने के तरीके बताए, और वो भी एक नहीं 3 से 4 मैंने आपको ट्रिक बताए हैं कोल्ड कॉफ़ी बनाने की। तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा इस कोल्ड कॉफ़ी को, और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और हम चलते हैं आपके लिए ऐसे ही न्यू रेसिपी और न्यू वीडियो की तैयारी में। आशा करती हूँ मेरा रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी लाइक और शेयर से मेरा बहुत हेल्प हो जाता है, बाकी लोगों के पास मेरी वीडियोज़ जाती हैं, तो करना ना भूलिएगा, प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे और मेरे चैनल को इतना सपोर्ट और प्यार करने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।